काशी, वाराणसी या प्यार से कहें तो अपना बनारस, क्यों है शहर की इतनी भौकाल? क्यों कबीर के दोहे यहीं से निकले, क्यों तुलसी ने यहीं लिखी चौपाई? और जीते जी जो रहा दूर, मरते वक्त याद क्यों उसे भी काशी ही आई? कुछ तो है शहर में गुरु, जो है भी और नहीं भी, जो बवाल है, जो कतई भौकाल है। शायद वही इश्क है, शायद वही सच है, शायद वही शिव है, और शायद वही अपना बनारस है। बनारस वो शहर नहीं है जहां आप एक दिन घूमे और जान गए। उम्र लग जाती है साहिब, ये शहर समझ में नहीं आता। जैसे मंदिर में जाते हैं ना, इत्मीनान से चप्पल बाहर उतार कर आराम से ध्यान लगाकर बैठते हैं, बस वैसे ही आना बनारस, चंचलता की पोटली को अपने शहर छोड़ाना। ये शहर आपको बताएगा कि थमना क्या होता है, जिंदगी का असली मजा क्या होता है। यथार्थ का ये शहर कहते हैं शिव के त्रिशूल पर टिका है, काशी का सार इसके घाटों पर लिखा है। ये शहर धर्म का धागा कर्म के आगे पहनता है, हर चीज पूजता है, हर अजान के साथ यहाँ शंखनाद गूंजता है। यहाँ इबादत कुर्बानी नहीं मांगती, अपनी भक्ति को ये पूरी मस्ती से जीता है। इसका भगवान अपने भक्तों के लिए जहर तक पीता है। यहाँ घाटों पर गिरती वो सूरज की किरण सुबह को खास बनाती है। यहाँ गंगा की शीतल धारा मणिकर्णिका की ज्वाला बुझाती है। यहाँ जन्म और मरण दोनों का स्वागत एक तरह से किया जाता है। बनारस की गलियां तो मानो यहाँ की धड़कन है, और बनारसी पान लोगों की पहचान।